नमस्ते भाई, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट मस्ती ट्रेवल एंड टॉक्स लेके आया हूँ एक नया ब्लॉग। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये मंडे ब्लॉग। और हाँ, जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें, मन को बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था टॉप गन, और इसी की है एक टॉप गन मैवेक, जो कि टॉम क्रूज की सबसे पहली मूवी थी। उसके बाद टॉम क्रूज ने अपनी ही प्रोडक्शन हाउस खोल लिया, जिसमें टॉम क्रूज ने मिशन इम्पॉसिबल, डे नाइट और भी कई मूवी की वो रिलीज करी है। और इस साल आई है टॉप गन मैवेक। तो इसकी स्टोरी लाइन ये है कि टॉम क्रूज रिपेयर कर रहा होता है अपना टू टू सीटेड पैसेंजर प्लेन, और फिर रिपेयर करते हुए उसको एक आता है कॉल कि तेरे को टच करनी है, तेरे को टच करनी है 10। जी हाँ, सही सुना आपने, 10। और उसकी मेन डायलॉग यही होता है एयरफोर्स वाले ऑफिसर का कि मैम, यू जस्ट हैव टू डू इट 10, नॉट 9.5, नॉट 9.9, नॉट 9.1, यू जस्ट हैव टू डू इट 10। जो हो जाए 10 टच करना है। और वो प्लेन आता है एक यूएस एयरफोर्स की शूटिंग से। हाँ, मतलब वो सीन आता है एक यूएस एयरफोर्स की शूटिंग से, और वो प्लेन बहुत ही महंगा होता है, 40 बिलियन करोड़ का वो प्लेन होता है। और मतलब जब वो प्लेन होता है तो जिसके ऊपर से वो होता है, वो होता है एक वो यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल। और समझो वो आपके घर से हो रहा, और आपका घर ये टाइप टाइप ऑफ बंगलो है, तो बंगलो हिलेगा और साथ में आपकी हल्की सी छत भी उठेगी। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, और ये आप भी एक्सपीरियंस करोगे अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी हो। तो उसके बाद मूवी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, क्योंकि ऑल बिकॉज ऑफ हिज लव ट्रायंगल, हिज टारगेट, हिज मिशन। उसका मिशन ये होता है कि एक उसका न्यूक्लियर पॉइंट है, उसको ऐसे जाके ऐसे आना है, और यहाँ पे इसको ये सॉकेट ओपन करना है लेज़र से, और लेज़र से सॉकेट ओपन करने के बाद फिर उसकी बाकी की टीम्स जो है वो जो बेस है वो दुश्मन का जो बेस है, ओपोनेंट का जो बेस है, वो उसे वो तबाह कर दे, ओपोनेंट के बेस को वो तबाह कर दे। और वहीं पे ही ये वहीं पे वो तबाह हो जाए। और आप ये सोचे होंगे कि ये तबाह करने के बाद उनकी डॉग फाइट हुई कि नहीं। जी हाँ, डॉग फाइट हुई है उनकी, और ये होता है सेकेंड हाफ में, डॉग फाइट होता है सेकेंड हाफ में, बॉम्बिंग होती है सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में बहुत ही स्लो 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 चलता है, और इंटरवल के बाद एकदम से ही फास्ट फास्ट चलनी शुरू हो जाती है। एक सीन आता है जब वो जो सुपरटेंडेंट होता है बताता है कि तुम्हें ये ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। उसी सीन में टॉम क्रूज की दोबारा एंट्री होती है, वो डेमोन्स्ट्रेशन कराता है। और जो आपने जो ट्रेलर में जो सीन देखा है कि वो फाइटर जेट के साथ ये लैंड है, ये धरती है, वो ऐसे ऐसे कर रहा, मतलब धरती से इतना ऊंचा वो प्लेन है, मतलब इतने डिस्टेंस में वो प्लेन है, और वो शूट करके लेके गया। वो सीन भी आता है, वो सीन बहुत ही प्यारा है, मेरे को बहुत प्यारा लगा। और वो उसकी डॉग फाइट की ट्रेनिंग कर रहा होता है, लोग बच्चों को सिखा रहा होता है कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, और क्या करना है क्या नहीं करना। और ये होता है सेकेंड हाफ में।
मतलब सेकंड हाफ में आपको समझ में नहीं आएगी, आपको धीरे से, आपको बहुत ही पीसफुल शांति और वो क्या कहते हैं वो ध्यान से देखनी पड़ेगी सेकंड हाफ। मेरा रिएक्शन मूवी शुरू होने से पहले ये था मेरा रिएक्शन मूवी शुरू होने से पहले कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मतलब वो जिज्ञासा थी कि अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा, अब टॉम क्रूज क्या करेगा, अब टॉम क्रूज क्या करेगा। फिर जैसे ही मूवी ख़त्म हुई मैंने पापा को कहा, जी हाँ मैं पापा के साथ गया था, मैंने पापा को कहा ओ माय गॉड व्हाट अ मूवी। मतलब मैं मूवी देखते देखते मैं ये फील कर रहा था कि जो मेरे जो गूजबम्स है, जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए हैं, और मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, नहीं थे और नहीं हैं और ना ही रहेंगे मूवी के खिलाफ। तो मूवी 10/10, सब कुछ 10/10। टॉम क्रूज की एक्टिंग चुम्मेश्वरी। और अब आपको ये सवाल होगा कि ऐसी मूवी हिंदी में क्यों नहीं बनती है ना। अब ऐसी मूवी हिंदी में ना बनने का एक ही कारण है, नेपोटिज्म। और वो हिंदी मूवी सिनेमा कुछ और ही दिखा देते हैं, ऑफ द टॉपिक चले जाते हैं। दिखाना होता है ये आपका एयरफोर्स सीन दिखा देते हैं, लव सीन। और हाँ, इस मूवी में लव सीन बहुत कम है, बहुत कम है, विद इन अ सेकेंड के लिए लव सीन है। और वो फिर मतलब मूवी 10/10 है मेरी तरफ से, मिलते हैं इस मूवी को 10/10 स्टार्स। और बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें, मन को बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे मिलूँगा अगले मंडे बिना बिना किसी देरी के, और तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट।